हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है कि मेरी वेबसाइट ब्लॉग वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर है, मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर जो हमने साइट बनाई है उसमें जनरेट प्रेस थीम यूज की है। अब जनरेट प्रेस थीम में जब हम पोस्ट लिख रहे हैं तो उसका जो टाइटल है पोस्ट का वो बहुत छोटा आ रहा है। देखिए यहाँ पर एम एस एक्सेल की आई बहुत छोटा है ना, तो हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ सेटिंग ऐसी हो गई है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जब हम टाइटल पर क्लिक करेंगे, टाइटल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तब भी ये छोटा आ रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर जनरेट पेज थीम में पोस्ट के टाइटल को चेंज या एडिट कर सकते हैं, उसके साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, है ना। तो ये सेटिंग कहाँ मिलती है जनरेट पेज थीम के अंदर, तो आज के इस वीडियो में हम पोस्ट के टाइटल के साइज से रिलेटेड जानकारी देंगे, वो फंक्शन कहाँ है, कैसे आप यूज कर सकते हैं और कैसे अपने इस छोटे टाइटल को बड़ा कर सकते हैं और कितना आपको रखना है साइज वो आप तय कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कलर भी देना है तो कलर भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो आप सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपीयरेंस मिलेगा, एंड थीम ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। थीम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बटन मिलेगा कस्टमाइज़ का, आपने जो भी थीम इंस्टॉल की है वर्डप्रेस के अंदर उसी पर ही कस्टमाइज़ का बटन आएगा, ठीक है, एंड एक्टिव की है तभी, ठीक है। तो कस्टमाइज़ का बटन नहीं आ रहा है तो जनरेट पेज थीम ने इंस्टॉल की है, तो हम कस्टमाइज़ बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपके टाइटल का जो साइज़ है वो छोटा आ रहा है, एंड रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करने के बाद पूरा पैराग्राफ आता है, वहाँ पर भी जो टाइटल होता है उसका भी साइज़ यहाँ पर छोटा है, है ना। देखिए अब इसे कैसे बढ़ाएंगे, तो दोस्तों दो सेटिंग है, एक तो आपकी ये फ्रंट की रहेगी जो रीड मोड से पहले होती है, उसके टाइटल में भी चेंजेस करने होंगे, और बाद में रीड मोड पर क्लिक करते हैं उसके भी टाइटल में हमें चेंजेस करने होंगे। दोनों की सेटिंग अलग अलग है, एक ही नहीं है, विशेष आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हम इसका ही करते हैं, पहले वाले का जो रीड मोड से पहले है, ठीक है। इसका हम टाइटल कैसे करेंगे चेंज, देखिए ये आ रहा है टाइटल छोटा हो रहा है ना, ये टाइटल छोटा है ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको करना क्या है, टाइपोग्राफी में जाना है, टाइपोग्राफी जाने के बाद आपको यहाँ पर ये डिलीट कर देना है और ये डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें चेंजेस करना है आपको, घटाना है बढ़ाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहला यहाँ पर रीड मोर का, तो ऐड टाइपोग्राफी पर आप क्लिक कर देना है, ऐड टाइपोग्राफी पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टारगेट एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट होगा आपका टाइटल का आर्किफ, ठीक है। तो इस स्विच पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे अपने एलिमेंट को, तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट होगा वो हुआ आर्किफ कंटेंट टाइटल, ठीक है। तो ये आर्किफ में आएगा, ठीक है, रीड मोर से पहले। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों जो सेटिंग है वो आपके इस टाइटल पर काम करेगी। आपको फॉन्ट साइज कितना रखना है, आपको जितना रखना है वो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 है तो आप उसको 70 कर सकते हैं, ये देखिए 70 हो जाएगा, ये देखिए बढ़ गया, और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जितना आपको टाइटल रखना है उतना आप रख सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से इसको आप मीडियम रख दीजिए, आप रखिए इसका टाइटल का साइज़ 40 रख दे तो बेस्ट रहेगा, ये ठीक है साइज़। और बढ़ाना है आपको लगे कि मुझे 45 रखना है तो 45 यहाँ से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लाइन हाइट है, तो लाइन हाइट कैसे काम करेगी, आपकी जो लाइन की हाइट है वो काम करेगी, जैसे कि आपको कितना लाइन हाइट लगना है वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं, ये देखिए है ना, ये लाइन हाइट बीच में मार्जिन आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको डिफॉल्ट रहने दे तो बेस्ट है, ज़्यादा आप नहीं करें इसमें छिड़कानी, है ना। मेरे हिसाब से इसको आप 2 रखें, ये ज़्यादा हो जाएगी, एंड 1.1, एंड ये भी ज़्यादा है तो 1.6 रख देते हम, ठीक है ये। और अगर आपको लगे तो और भी आप यहाँ से कर सकते, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से लाइन हाइट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, जो लेटर लिखे इसमें स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए वो यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो जितनी आपको लगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जो डिफॉल्ट है उसको ही आप रहने दीजिए, ओके। एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऊपर आ जाएगा फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्टेड 3 ही फॉन्ट मिलेंगे, इनहेरिट का और सिस्टम डिफॉल्ट है और टाइम्स न्यू रोमन। तो आप चाहते हैं मेरे जो टाइटल है आरकेप का वो उसका फॉन्ट टाइम्स एंड न्यू रोमन में आ जाए, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपका यही टाइटल केवल टाइम्स एंड न्यू रोमन में आ जाएगा, ये देखिए, है ना। एंड फॉन्ट वेट आपको कितना चाहिए, जैसे कि आपको ज़्यादा बोल्ड चाहिए तो आप कितना भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 800-700, देखिए कितना बोल्ड हो गया ना, ठीक है। तो जो भी आपको रखना है वो यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ फॉन्ट वेट को, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉन्ट का जो
लेटर है अपर केज में रखना चाहते हैं, स्मॉल में रखना चाहते हैं, कैपिटलाइज, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। अपर केज करेंगे तो सारे वर्ड आपके कैपिटल हो जाएंगे, ये कह सकते हैं लेटर। देखिए अगर आप चाहते हैं लोअर केज में हो जाए तो लोअर केज में हो जाएंगे, है ना, तो लोअर केज में हो गए सारे, मतलब स्मॉल में हो गए। एंड यहाँ पर कैपिटलाइज में चाहिए तो कैपिटलाइज में हो जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो जो भी आपको रखना है वो आप रख लीजिए, तो मैं यहाँ डिफॉल्ट सेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ पर आपको दिए गए नॉर्मल, इटैलिक, है ना, तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ सेट करेंगे। जैसे कि आपको इटैलिक चाहिए तो इटैलिक आप कर देंगे, देखिए इटैलिक में हो जाएगा। तो आर्की में जो भी टाइटल होंगे सारे इटैलिक हो जाएंगे, देखिए, है ना। एंड यहाँ पर हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं, तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर नन या अंडरलाइन, तो अंडरलाइन देना है आपको टाइटल में, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी आपके टाइटल पर, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये आपका आर्काइव का हो गया, तो मैं इसको अंडरलाइन को उठा देता हूँ, मैं नॉर्मल रख देता हूँ, ठीक है, ये डिफॉल्ट है ना। और मैं चाहता हूँ कि कैपिटल आए पहला टाइटल, ठीक है, आर्काइव का, तो यहाँ पर मैं कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा समझ आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हम जो सीखेंगे रीडमोर का, ये इसको हम अपर केज कर देते, सारा कैपिटल आ जाएगा। तो ये सेटिंग हो गई हमारी, कौन सी, रीडमोर से पहले की। अब सेकंड वाली सेटिंग करते हैं, रीडमोर पर क्लिक करेंगे, ये आ गए सेकंड वाली सेटिंग पर, मतलब जो रीडबोर्ड के बाद जो पढ़ते हैं पैराग्राफ उसकी सेटिंग का टाइटल, है ना। इसका अलग है, जेंडर फेस थीम है, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो एट टाइपोग्राफी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप टारगेट एलिमेंट यूज करेंगे, आप यहाँ पर लेंगे सिंगल कंटेंट टाइटल, तो सिंगल कंटेंट है ये, है ना, जो रीडमोर के बाद जो पोस्ट आती है वो पूरा पैराग्राफ, है ना, सिंगल टाइटल कंटेंट पर क्लिक करेंगे। अब इसकी सेटिंग शुरू हो जाएगी, तो आपको फॉन्ट कितना साइज रखना है वो यहाँ से करेंगे। जैसे कि आपको बहुत बड़ा चाहिए तो देखिए आप कर दीजिए स्लाइड, ये बड़ा हो जाएगा, है ना, जो भी चाहिए आपको, देखिए, है ना। तो मेरे हिसाब से इसको मीडियम रख दीजिए, आप 45 तक रख सकते हैं, ठीक है। एंड या लाइन हाइट आपको कितनी चाहिए यहाँ से डिसाइड करेंगे। एंड लेटर स्पेसिंग जो कि मैंने आपको बता दिया है ना, तो लाइन हाइट को हम इतना रख देते हैं, ठीक है। एंड लेटर स्पेसिंग कितनी चाहिए तो यहाँ से डिसाइड करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर आप चाह रहे हैं अपर केज लोअर केज जो भी रखना चाहते हैं टाइटल का, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फॉन्ट का वेट आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर लोअर केज में चाहिए तो लोअर केज में आ जाएगा, है ना, मैं चाहता हूँ इसी डिफ़ॉल्ट रहे। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इटैलिक, ठीक है, एनएनसीएल, तो आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ पर जनरेट पेज थीम में पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद जो रीड मोर आता है उस पर क्लिक करने के बाद जो भी टाइटल सेट रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में आपका टाइम्स एंड रोमन है ना, जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। अगर प्रीमियम वर्जन लेंगे तो आपको और एडवांस फंक्शन फीचर मिल सकते हैं जनरेट पेज थीम के अंदर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग ये है, है ना। तो मैं चाहता हूँ इसका साइज़ हमेशा 55 होनी चाहिए, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आप इसे पब्लिश कर देंगे। अब बात आती है कलर की, कि मुझे कलर का भी इशू है, तो कलर आप करना चाहते हैं ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कुछ लोगों की होती है कुछ लोगों की नहीं होती। तो मैं पोस्ट के टाइटल का भी कलर बता देता हूँ, केवल पोस्ट के टाइटल पे ही काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर हम जाते बैक और कलर्स पर जाएंगे। इन कलर्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ कंटेंट ऑप्शन मिलेगा, स्विच पर क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों पहला आर्काइव कंटेंट टाइटल, हमको ये चेंज करना है पहले, फिर हम कंटेंट का टाइटल चेंज करेंगे। तो रीड मोर से पहले आता है वो कलर आपको क्या रखना है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर, तो मैं चाहता हूँ ये कलर रहे थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है। ये प्रैक्टिस के तौर पर है, हमेशा कलर रखती नहीं है, लेकिन हम एक बता रहे हैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो आपको जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये कलर रखना है, देखिए टाइटल में ये कलर आने लगा, है ना। तो जितना भी आपने टाइटल लिखा है वो यहाँ पर एक कलर आएगा, ये देखिए, है ना, ये आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको हर कलर रखना है तो हर कलर कैसे रखेंगे, हर कलर में दोस्तों आपको सिंपल सा ये कलर है हर, जैसे कर्सर ले जाएंगे कौन सा कलर आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कलर आना चाहिए ब्लैक, ठीक है। एंड इस सेट कर दिए ब्लैक, अब देखिए ब्लैक आएगा, ये देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पब्लिश कर देता हूँ, तो हमारी एक सेटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दूसरा करते हैं पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद, रीड मोर पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब इसका कलर क्या होना चाहिए वो है यहाँ पर डिसाइड करेंगे, कंटेंट कलर, ओके। तो आप इस पर क्लिक करेंगे क्या रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो मैं इसको ब्लैक ही देने देता हूँ। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद रिफ्रेश करेंगे।
रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आने लगा पीपीटी फुल फॉर्म हिंदी है ना, ये देखिए आने लगा। इसका हमने फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी चेंज कर दिया एंड यहाँ पर ये साइज़ भी चेंज कर दिया, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इसका भी साइज़ ये चेंज है ना, ये देखिए ये कलर भी हमने डिसाइड किया था ना। तो इस तरह से आप आर्किव का जो पोस्ट का टाइटल वो चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, और यहाँ पर कंटेंट का जो टाइटल होता है उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं ना। तो दोस्तों जनरल पेज थीम काफ़ी लोग यूज करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती रहती है ना, तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते ये वीडियो तैयार किया गया था है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।